Good afternoon everyone, welcome to my channel. Class 9 के history की जो lecture series है उसका हमारा next lecture है. Previous lectures के अंदर हमने जो class 9 का first chapter है वो हम start कर चुके हैं, the French Revolution. French Revolution के बारे में start किया था. Basically हमने सबसे starting की जो दो lecture है उनमें ये बात की थी कि actual में 1789 जुलाई 1789 के time period पे France के अंदर क्या, what was the going on in France. तो France के अंदर उस time एक king था Louis XVI जिसको 20 year के एज में क्या क्या था किंग बना दिया गया था. और जैसे उसने फाइंड देखा कि उसका ट्रेजर बिल्कुल खाली था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स था, ठीक है, टैक्स मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा लोन था, सॉरी टैक्स नहीं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन था और जो इंटरेस्ट था उन जितने भी क्रिएटर्स थे जिन्होंने उनको उसको मनी प्रोवाइड किया था उन्होंने भी क्या किया था उनका इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया था. तो इस वजह से क्या किया था उसने लुई XVI ने क्या किया था, फ्रांस के जितने भी टैक्स थे वो सपोर्ट करते थे उसने इंक्रीज कर दिया था. तो ये हमने देखा था 1789 जुलाई 1789 के अंदर ये सिनेरियो उस टाइम पर What's going on in France? France के अंदर उस टाइम पर ये सिनेरियो चल रहा था. What's going on? फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर उसमें हमने बात की थी कि एक्चुअल में ये जो सिनेरियो लुई XVI के टाइम पे आया इसका रीजन क्या था, ठीक है. तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस रीजन से उसको पढ़ने से पहले हम प्रीवियस गए थे पहले कि लुई XVI से पहले क्या था. तो लुई XVI से पहले हमने देखा कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस के जो लोग थे वो किस तरह से अपने डेली लाइफ को प्रोसेस कर रहे थे. तो हमने देखा था कि थ्री स्टेट्स थे, फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स. फर्स्ट क्लर्जी जो चर्च के लिए काम करते थे, सेकंड नोबिलिटी जो प्रिविलेज बाय बर्थ नोबल पर्संस थे और थर्ड जिसके अंदर मर्चेंट्स, अपने लॉयर्स, पीजेंट्स, लेबर्स सब काम करते थे. तो और टैक्सेस के बारे में बात की थी कि जो चर्चेस थे वो दो तरह के टैक्स थे, हमने बात करी 1/10 ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट टैक्सेस. तो ये हम प्रीवियस लेक्चर से बात कर चुके हैं. अब मैंने बताया था कि जो रिवॉल्यूशन या जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा वो कौन करेगा, थर्ड स्टेट. उसका रीजन क्योंकि सेकंड स्टेट क्या है, नोबल पर्सन है, उनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है तो उनके पास सारी उनकी डेली लाइफ इजीली सर्वाइव होगी. और जो चर्च है उनके पास क्या डायरेक्ट टैक्स आ रहे थे तो वो भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे. तो बेसिकली जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो कौन से होंगे, थर्ड स्टेट. तो ये जो सिनेरियो था ये लुई XVI से पहले, लुई XVI से पहले हम स्टोरी में बैक पीछे जा रहे, प्रीवियस पीछे जा रहे क्या कि लुई XVI से पहले फ्रांस के अंदर क्या सिनेरियो था. और जब लुई XVI आया तभी प्रोटेस्ट क्यों हुआ, तभी रिवॉल्यूशन क्यों जनरेट हुए, ट्रेजर सारा एंटी क्यों हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आज का जो लेक्चर है फ्रांस सोसाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रांस सोसाइटी के आगे के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रांस सोसाइटी इस तरह से प्रोसीड थी, सब टैक्सेस सब पे कर रहे थे इजिली, 60% लेवल लोग जो हायर सोसाइटी थी मतलब नोबल और क्लर्जी के पास था, सब इजिली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे, सब इजिली सब प्रोसेस गोइंग ऑन था. फिर एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि जब लुई XVI आया तो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसका रीजन हम देखेंगे. तो हम बात करते हैं अप्रॉक्स 1710 से लेकर 1715 का एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पर वो जो सोसाइटी हमने देखी थी फ्रांस सोसाइटी, प्रीवियस सेक्शन में हमने जो फ्रांस सोसाइटी के बारे में बात की थी वो सिनेरियो उस टाइम पर वाज गोइंग ऑन, वो सिनेरियो चल रहा था उस टाइम पर. तो 1710 से 1759 के आसपास, 1710 से 1715. लेकिन जैसे ही 1789 आया, 1789, तो 1715 से हम अब 1789 की बात करते हैं जब कौन कर रहे थे, क्वीन लुई XVI. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि 1789 के अंदर कौन रूल कर रहा था, लुई XVI. तो एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखिए, तो जब ये 1710 से 1715 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो कितनी थी, 23 मिलियन. जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23 मिलियन. तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इतना था कि सब जितने भी 23 मिलियन ना वो इजीली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे, टैक्स भी दे रहे थे, क्लर्जी को भी वो टैक्स दे पा रहे थे, नोबल्स को भी वो टैक्स दे पा रहे थे और जितना भी लेबर्स थे उनको प्रॉपर वेजेस मिल रहे थे और सब अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर पा रहे थे. लेकिन जैसे ही ये धीरे 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 बढ़ के टाइम पीरियड 1789 के अप्रोक्सीमेट पास आया, मतलब उसके बहुत पास आया, तब कौन हुआ, लुई XVI किंग बना. ये हमने देखा 20 ईयर की एज में वो किंग बना दिया था. और उस टाइम पे पॉपुलेशन जो हुई वो कितनी हुई, 28 मिलियन. तो जो सिनेरियो था पॉपुलेशन का वो बढ़ चुका. अब नेचुरल सी बात है, आप खुद सोचिए, देखिए अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, फूड की जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, फूड की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन की डिमांड तो ज्यादा होगी लेकिन क्या होगा, इतना होगा ही नहीं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो हर चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो सिमिलरली यही सिनेरियो हुआ जब धीरे 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 1715 से पॉपुलेशन बढ़ने चली, बढ़ना स्टार्ट हुआ 1789 तक, एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई, एक्सट्रीम लेवल लुई XVI पे. तब तक क्या हुआ, ट्रेजर वगैरह सब एम्प्टी हो चुका था, नेचुरल से लोग क्या करेंगे, जितने पीपल क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. तो उसी के बारे में हम देखते हैं. तो जैसे ही ये पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हुई 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन हुई, तब क्या हुआ, द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स इंक्रीज. मैंने बताया आपको पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स अब क्या हमें ज्यादा चाहिए होंगे, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है तो फूड ग्रेन्स ज्यादा लाएंगे कहाँ से, ठीक है. तो वो एक सबसे बड़ा सिनेरियो था. तो एक ये था कि बेसिकली फूड ग्रेन्स की क्या होगी, डिमांड बढ़ रहेगी.
नेक्स्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ ब्रेड्स वाज इंक्रीज। अच्छा मैंने पहले भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ ब्रेड इंक्रीज क्यों हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका इनिशियल फूड है वो ब्रेड है। फ्रांस में जो इनिशियल फूड होता था वो ब्रेड होता था, जैसे कि हमारे यहाँ वीट के अगर हम प्राइसेस बढ़ जाती है तो हमारे लिए बहुत बहुत क्राइसिस क्रिएट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इनिशियल फूड क्या है, वीट है, ठीक है, राजस्थान का स्पेशली। तो हम बात करें तो वहां पे जो एसेंशियल फूड था वो क्या था, ब्रेड। तो वहां पे क्या हुआ, ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्यों, क्योंकि क्या हो चुका था, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी और रिक्वायरमेंट फूड ग्रेन्स की ज्यादा थी, मतलब डिमांड ज्यादा थी, और डिमांड ज्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है जो प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी जो डिमांड ज्यादा है तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कैलकुलेट क्या होगा, प्रोडक्शन कम काउंट होगा, तो प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, प्राइसेस क्या हो गए, ब्रेड, तो कॉस्ट ऑफ ब्रेड वॉज इंक्रीज। तो अब जो नॉर्मल पीपल थे जो पहले 10 रुपए की ब्रेड लेते, जस्ट एन एग्जाम्पल, 10 रुपए की ब्रेड लेते थे, अब क्या वो 50 रुपए की ब्रेड ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो ये बढ़ गई थी ब्रेड की जो प्राइसेस थी वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो फर्स्ट तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन के, फूड ग्रेन क्या हो गए, इंक्रीज हो चुकी डिमांड इनकी, कॉस्ट ऑफ ब्रेड वॉज इंक्रीज, ब्रेड की जो कॉस्ट थी वो भी इंक्रीज हो चुकी। नेक्स्ट कहता है ड्राउट एंड हेल, ड्राउट मतलब सूखा, हेल मतलब क्या होता है, बेसिकली इट वॉज द क्लस्टर्स, आप बोल सकते हो आइस के जो आइस के स्मॉल स्मॉल पीसेस जो होते हैं, ठीक है, वो डाउन आना एज अ रेनफॉल, ठीक है, एज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो प्रेसिपिटेशन होता है तो वो हेल के फॉर्म में, मतलब आइस के छोटे छोटे पीसेस आते हैं, तो ड्राउट एंड हेल। अच्छा जब ये फूड ग्रेन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तब नेचुरल था रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ, ब्रेड की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, और उसी टाइम पीरियड पे कहीं प्लेसेस पे कभी तो क्या हो रहा था, ड्राउट हो रहा था, तो कभी क्या हो रहा था, हेल्स आ रहे थे, कभी ड्राउट कभी हेल्स, कभी ड्राउट कभी हेल्स। तो ड्राउट और हेल्स के कारण क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हो गया वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, प्रोडक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, क्यों, अगर ड्राउट होगा तो प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर फील्ड्स को, मतलब आपकी जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर है, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर में आपने जो भी चीजें ग्रो कर रखी है, तो उनके लिए आपको अगर ड्राउट होगा तो आपको वाटर एसेंशियल नहीं मिल पाएगा, जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है आपके उतनी आपके वाटर नहीं मिल पाएगा। अगर हेल हो गए, ठीक है, अगर हेल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, फर्स्ट आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर उसको कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। तो ये दो रीजन और थे क्या, कि ड्राउट और हेल, ये क्या होता है, रेगुलर फ्लक्चुएशन बेट पे इस टाइम पीरियड के बीच में वर्क कर रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो तरीके से क्या हो चुका, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, एग्रीकल्चर जो फील्ड था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंसेस क्राइसिस, सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब क्या है, कि जब ये तीनों सिनेरियो चल रहा था तो सब्सटेंसेस क्राइसिस क्रिएट हो गए फ्रांस के अंदर, क्या हुआ, सब्सटेंसेस क्राइसिस क्रिएट हुए। सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब बेसिक नीड्स ऑफ पीपल नॉट फुलफिल, जो बेसिक इनिशियल अपनी डेली लाइफ फूड को प्रोसेस लाने के लिए या प्रोसेस में लाने के लिए जितने भी लेबर्स या जो लोअर क्लास थी उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, मतलब वो बेसिक इनिशियल फूड नहीं कलेक्ट कर पा रही थी, तो ये बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो पा रही थी, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, सब्सटेंसेस क्राइसिस। तो ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीज, एंड ड्यू टू ड्राउट एंड हेल production was destroyed, and due to these three performances substances crisis was created, ठीक है, क्या हुआ, substances crisis create हो गए। substances crisis create होने का मतलब क्या है, जो जितने भी labor हैं या जो lower class है उनके basic needs fulfill नहीं हो पा रहे थे, उनकी जो भी demand थी basic level पे अपने daily life को survive करने के लिए वो नहीं मिल पा रहे, क्योंकि noble और clergy के पास वो सब चीज़ थी, ठीक है, लेकिन जो labors थे जो lower class थी उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है, तो क्योंकि ये चीजें मिल ही नहीं पा रही थी उनको, ग्रेन्स इतना उनका वेजेस था ही नहीं कि वो क्या कर सके, फूड ग्रेन्स को बाय कर सके और ब्रेड को बाय कर सके, ठीक है, और जितना भी एग्रीकल्चर वो खुद प्रोड्यूस करते थे वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, और प्लस डिस्ट्रॉय होने के बाद अगर उन्हें कुछ बचता भी था उसका वन टेंथ तो उनको देना पड़ता था क्लर्जीज को, और उसके अलावा नोबिलिटीज भी उनसे टैक्स देते थे, तो वो टैक्स और उनको देना पड़ता था, उनके पास खुद के लिए खाने के लिए बचता ही नहीं था, तो इसलिए कहा था वहां पर सब्सटेंसेस क्राइसिस के लिए। एक और एग्जाम्पल आप देखते थे वेजेस को, ऐसे हम बोल सकते हैं जो लोअर लेबर क्लास थी उनको क्या होता था, डेली बेसिस पे वेजेस मिलते थे, लेकिन ये सब चीज इंक्रीमेंट उनके बारे में उनके वेजेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया, क्यों, अब नेचुरल से पता कि फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज हो गई और ब्रेड के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए और ड्राउट के कारण प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब नेचुरल सी बात है जो इनकी सैलरी में अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा, जहां ये 100 रुपए कमा के अपनी डेली लाइफ को फॉलो मतलब प्रोसीड कर रहे थे, अपने डेली लाइफ को चला रहे थे, तो क्या अब वो 100 रुपए में ये इंक्रीज प्राइस के अंदर अपने डेली लाइफ को चला पाएंगे, नहीं, तो वेजेस में क्या था, कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा था, तो ये देखने होता, तो ये रीजन थे कि जो पीपल थे थर्ड स्टेट के उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अब थर्ड स्टेट के ही क्योंकि अब ओपन समझते हैं, फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो जाए तो नोबिलिटी जो रॉयल पर्सन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास इतना पैसा है कि वो खर्च आराम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्लर्जीज जो चर्च के लिए काम करते थे उनके पास तो क्या था कि प्रोडक्शन आता था, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो उसका 1/10 तो उनके पास आता था, प्लस डायरेक्ट टैक्स भी आता था,
तो नोबिलिटी को कोई प्रॉब्लम थी प्लस क्लर्जी को भी कोई प्रॉब्लम थी। मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो किसकी होगी, थर्ड स्टेट की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड स्टेट के पास इतना सिनेरियो, नोबिलिटी पर्सन के पास सब कुछ था, थर्ड स्टेट थी जो वर्किंग क्लास थी, थर्ड स्टेट थी जो वर्किंग क्लास थी, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है प्राइजेस का या जो भी चीज इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन का कम होना, कुछ डिस्ट्रॉय होना। आज भी अगर आप देखो ना तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वर्किंग क्लास के ऊपर, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वर्किंग क्लास के ऊपर। वर्किंग क्लास आपके लेबर हो गए, प्राइवेट जॉब्स वाले हो गए, ठीक है, पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, लॉयर्स वगैरह जो भी सब प्राइवेट जॉब्स है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये रीजन था, ये सब रीजन थे। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होने के कारण ये सब सिनेरियो वहाँ पर फ्रांस में चल रहा था, इंक्रीज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, मतलब फूड रेट इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइजेस इंक्रीज हो गई, जिसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, सब्सटेंसेस क्राइसिस जनरेट हो गया, लोग अपनी डेली लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब नेचुरल से बात है, अगर आप अपनी डेली लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? आप जिसके कंट्रोल में रह रहे हो एज अ किंग, एज अ किंग, तो आप क्या करोगे? उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, रिवॉल्यूशन करोगे, ताकि क्या कर सके, वो कम से कम उनको इतना तो प्रोवाइड दे, इतनी तो वेजेस दे कि वो अपने डेली लाइफ को फुलफिल कर सके, अपने डेली लाइफ के जो नीड्स हैं, जो उनको डेली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उनको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो ये रीजन था कि जो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हुई और ये जितने भी क्राइसिस क्रिएट हुए फ्रांस के अंदर, ये रीजन था जिसके कारण 1789 के अंदर जब लुई 16 किंग बना, तो लोग क्या थे, प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, रेगुलर प्रोटेस्ट तो हो रहे थे, लेकिन बहुत कम लेवल पे हो रहे थे। लेकिन जैसे ही 1789 के अंदर लुई 16 आया तो उसने क्या देखा कि उसका ट्रेजर एम्प्टी था, और उस ट्रेजर और उसके पास क्या था, लोन था, प्लस उसके जो भी इंटरेस्ट लग रहा था वो भी ज्यादा था, तो प्लस तो ये सब होने के कारण क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने ट्रेजर को फुल करने के लिए, अपने ट्रेजर को फिल करने के लिए क्या करा उसने, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। अब तो आप सोच के देखो, ये इतनी प्रॉब्लम तो पहले ही है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर और टैक्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर कोई किंग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी कंट्री में चल रही है और इन कंट्री का सॉल्यूशन नहीं कर रहा वो, मतलब ये कंट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम और ऐड कर रहा है, एक प्रॉब्लम और ऐड कर रहा है, मतलब टैक्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या नेचुरल सी बात है, जो जिनके ऊपर ये सारा बर्डन जाएगा वो प्रोटेस्ट करेंगे, और वो कौन सा था, थर्ड स्टेट। तो इसलिए थर्ड स्टेट के पीपल ने अगर प्रोटेस्ट करा, जो हम फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक्चुअल में 1789 के अंदर क्या हो रहा था फ्रांस के अंदर, उसका रीजन क्या था कि फ्रांस सोसाइटी किस तरह से थी और क्या काम चल रहा था इस टाइम पीरियड पे, और इस टाइम पीरियड के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ उससे क्या क्राइसिस जनरेट हुए फ्रांस के अंदर, और उस क्राइसिस का इंपैक्ट 1789 के अंदर लुई 16 के ऊपर पड़ा, और उसने लुई 16 ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय एक नई प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो क्या था, इंक्रीज्ड इन टैक्स, और टैक्स कौन दे रहा था, थर्ड स्टेट। और ये सारी प्रॉब्लम्स भी कौन फेस कर रहा था, थर्ड स्टेट ही, क्योंकि इनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रहा था, थर्ड स्टेट पे, जो सबसे ज्यादा क्राइसिस जनरेट हो रही था वो किस पे थे, थर्ड स्टेट पे। तो इसलिए फिर थर्ड स्टेट ने क्या करा, प्रोटेस्ट स्टार्ट करा लुई 16 के खिलाफ, और उन्होंने क्या करा, अपनी पीपल्स मिलिटिया बनाई, और अगर जो उनका वर्सेटाइल पैलेस था वहां पर अटैक करके आगे स्टोन्स को तोड़ के और मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही हो कि किस तरह से जो फ्रांस के अंदर स्टोरी हमने स्टार्ट की थी वो हमने देखी है कि किस तरह से स्टोरी। तो हम ये देख चुके हैं कि बेसिकली जो फ्रांस के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा था, किस तरह से लुई 16 जब आया, जब लुई 16 किंग बना, तो क्या क्या रीजन थे कि उसी के टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ, तो ये सब हम देख चुके हैं। तो अब इन टाइम पीरियड के बीच में, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो हमने ये देख लिया कि ये इस टाइम पे लुई 16 के टाइम पर ही ये सारा प्रोटेस्ट क्यों हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड था, ये जो टाइमलाइन है 1715 से 1789 के बीच की जो टाइमलाइन है, मतलब इस ईयर के बीच में, लोग ये तो है नहीं कि एक बार में उठ के सुबह रात को सोए होंगे और सुबह उठ के प्रोटेस्ट करने चले होंगे, नहीं, उनके अंदर जो नेशनलिज्म की एक फीलिंग है वो जनरेट हुई थी। तो उसका रीजन क्या रहा, मतलब किस तरह से वो नेशनलिज्म जनरेट हुआ, ठीक है, तो वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे फिलोसफर्स ने उनकी हेल्प करी, किस तरह से उन्होंने क्या करा, उनके आइडियाज को जनरेट किया, और किस तरह से लोगों को इनकरेज किया कि अब हमें क्या है, अब हमें ये चीज सहनी नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारे ऊपर बर्डन डाला जा रहा है गवर्नमेंट, सॉरी मतलब किंग के द्वारा जो भी बर्डन हमारे ऊपर डाला जा रहा है उसे हटाना पड़ेगा। तो वो क्या सिनेरियो था, किस तरह से फिलोसफर ने हेल्प करी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इस टाइमलाइन के पीरियड में जब ये प्रोसेस हुआ, ये इंक्रीमेंट हुआ, लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करा, लुई 16 के किंग को डिस्ट्रॉय करा, वहां का जो प्रिजनर था, ठीक है, उसको तोड़ के वहां से जो भी प्रिजनर थे उनको बाहर निकाल दिया। तो वो सब जो रीजन था, वो जो हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देखा था, फ्रांस का 1789 के अंदर प्रोसेस था, और उससे पहले एक्चुअल में वो स्टार्ट क्यों हुआ उसके बारे में हम देख चुके हैं। अब बीच का हम टाइमलाइन देखेंगे कि ये जो सिनेरियो चल रहा था, तो लोग बात किस तरह से मोटिवेट हुए, कैसे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई, और कैसे उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो होप ये आपको समझ में आया, फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।